अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं दोस्तों? आप फिट फाट हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ और सब खैरियत है। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है जी। तो अभी दोस्तों यहाँ पे मैं पार्क में आया हूँ, क्योंकि एक दो जगह में मैं पार्क में गया हूँ तो वहाँ पर अभी तक जो है ना, क्योंकि यहाँ पे नमी अभी शायद नमी की वजह से या क्या वजह, घास जो है ना, घास के ऊपर अभी तक जो नमी है वो ओंस जिसे कहते हैं वो पड़ी हुई है, तो वहाँ पे बैठा नहीं जा सकता था, तो इसलिए मैं फिर यहाँ आया हूँ। ये इतनी अच्छी तो यहाँ पे ग्रीनरी तो इतनी नहीं है, लेकिन चलें यहाँ पे बैठ के गुजारा करता हूँ। कल बहुत मुबारक, बहुत मुबारक दिन था, जुम्मातुल मुबारक था, सोचा कि आपसे जो है ना जुमे वाले दिन जो मुलाकात करूँगा, बातचीत होगी आपसे, गपशप होगी, लेकिन ये दुबई है तो यहाँ पे जो है दिन जो है बहुत मसरूफ़ गुजरता है। कल भी सारा दिन इसी तरह, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो जुमे वाले दिन छुट्टी होती है सबको, तो सारे दोस्त जो है वो घर पे ही थे, तो उनके साथ गपशप, खाना वाना मिल के जो खाना वगैरह वो बनाना, फिर खाना वो निज़ाम सारा था, तो आपसे जो है ना कल जुमे वाले दिन मुलाकात नहीं हो सकी। तो जुम्मा मुबारक भी आपको कहना था, लेकिन अब तो चलें गुजर गया। और आज अभी जो टाइम हो चुका है असर, तकरीबन एक घंटा हो गया असर हो चुकी है अभी, तो सुबह से लेके अभी तक जो है ना मैं कोशिश कर रहा था कि किस वक्त टाइम मिले और मैं जाऊं, और मैं जाके आपके लिए कोई अच्छी कोई वीडियो शूट करूं, आपसे बात करना चाह रहा था, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था सुबह से। आज भी मैं बहुत बिजी था, दोस्त के एक दोस्त हैं उनके पास गाड़ियाँ हैं, दो तीन उन्होंने रखी हुई अपनी ट्रेलर वगैरह, तो वो मुझे कहने लगे चलो हमारे साथ चलते हैं। तो आज जो है ना गाड़ी की जो है सर्विस करवानी है, धुलाई धोने के लिए लेके जाना है सर्विस स्टेशन पे, तो आप हमारे साथ चलें। उनके साथ चला गया, तो वहाँ पे आपको पता है ड्राइवर हजरात जितने भी हैं, मैं भी ड्राइवर ही हूँ, तो जब मिलते हैं आपस में तो वो टाइम का पता ही नहीं चलता। तो गाड़ी जो है आज फिर भी जो है ना वो, क्योंकि लेट हो चुके थे सुबह गाड़ी ले सर्विस के लिए लेके जाने के लिए, तो वहाँ पर रश है, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग हो गए होंगे, तो बेहतर है कि आज नहीं जाते हम, कल पीर वाले दिन चलेंगे इंशाल्लाह। अभी मैं आपको बताऊँ, ये रोड के ऊपर ही पार्क है, मेन रोड के ऊपर आपको गाड़ियों की आवाज़ वगैरह आएगी, तो शायद डिस्टर्ब भी आप हूँ, मैं भी डिस्टर्ब ऐसे हो रहा हूँ बात करते हुए, जैसे वो ज़्यादा स्पीड के साथ जब गाड़ी गुजरती है तो ज़ाहिर बात है शोर होता है। तो रोड के ऊपर, ये रोड के साथ ही मैं बैठा हूँ अभी यहाँ पे, क्योंकि जितने भी पार्क्स वगैरह यहाँ पे बनाए गए हैं, ये चाइना सिटी, इंटरनेशनल चाइना सिटी में जो है, ये सारे रोडों के नज़दीक नज़दीक ही हैं, तो चाहे वो मेन रोड हो चाहे वो घर में गली में गुजरा दो, इसमें से ये सारा निज़ाम ऐसे ही आ। तो आज भी बिजी रहा हूँ, ठीक है जी। तो आपसे शेयर करना चाह रहा था कि दुबई जो है, बहुत सारे लोग जो हैं वो दुबई में आते हैं मेरी तरह, मैं तो खैर मजबूरी से आया हूँ, वहाँ पे भी रोज़गार नहीं था, तो कुछ लोग जो शौक़ से आते हैं, तो स्पेशली जो लोग जो है ना कहीं यूरोप वगैरह में रह के आए हैं, तो वो यहाँ पे उनके लिए बड़ी टेंशन होती है, क्योंकि वो एक आज़ाद माहौल के जो है ना वो रहे हुए थे हैं, तो उस माहौल में से जब निकल के यहाँ इस माहौल में आते हैं तो थोड़ी सी घुटन महसूस होती है, लेकिन अगर कोई आपके पास ट्रेड हो तो फिर आप कामयाब यहाँ पे हो सकते हैं, स्पेशली ड्राइविंग वगैरह के लिए जो है वो ड्राइवर वगैरह जो हजरात हैं उनके लिए आसानी है थोड़ा, वो दूसरे लोगों से बेस्ट है, नीचे उनके जो लेबर वगैरह जो होती है उससे। तो दोस्तों अभी मैं जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, उससे पहले मैं आपको से बात करना चाह रहा हूँ कि वो मेरी बहनें जो मुझे बहनों जैसा प्यार देती हैं, मेरी उसका छोटी हैं या बड़ी हैं, उनका भी और उन तमाम दोस्तों का, बहनों का, तमाम का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मेरे साथ सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक और शेयर करते हैं, और कॉमेंट सेक्शन में अपनी कीमती जो आ रहा है उनसे मुझे नवाजते हैं, तो उनके लिए जो है ना वालेकुम अस्सलाम, उनका मैं बहुत मशकूर हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ, ठीक है जी। तो प्लीज़ मेरी, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो यहाँ पे दुबई के हवाले से मैं शेयर करना चाह रहा था कि आज मुझे जो है ना, मैंने वो टाइपिंग वगैरह पेपर करवाए हैं, मुझे वो अपने बॉस ने करवा के दिए हैं, अरबाब ने, तो मेडिकल के लिए,
तो मैं बताना चाह रहा था कि कुछ लोगों को शायद नहीं भी पता होता, वो कहते हैं कि ये हो गया, कुछ लोगों के दिन ज़्यादा भी लग जाते हैं मेडिकल के लिए, कुछ के काम भी जल्दी भी हो जाता है। तो मेरे जिनसे मैंने वो वीज़ा वगैरह लिया वो लिंक्स वाले बंदे थे, तो करीबी उनके साथ जो है ना सोर्स थे, तो इसलिए उन्होंने कोशिश करके जल्दी अभी जो है मुझे 2-3 दिन के अंदर अंदर ही ये मैंने उन्होंने कहा कि आप मेडिकल क्लियर करें। आज कोशिश की है लेकिन आज नहीं हो सकता, तो कल इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो मेडिकल के लिए जाएंगे, क्योंकि दुबई का आपको पता होना चाहिए, जो नए भी आने वाले हैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि दुबई का मेडिकल जो है यहीं पे होता है। सऊदी अरब का जो मेडिकल होता है वो पाकिस्तान से भी आप मेडिकल करवाते हैं, आपको कहते हैं करवा के आएँ तो फिर जाके सऊदी अरब में भी वो करवाते हैं। तो दुबई में जो होता है ये वहाँ पर मेडिकल नहीं होता है, मेडिकल दुबई का जो है यहीं पर होता है दुबई में। तो मुझे आपको बताना चाह रहा था कि ये मुझे देखें दो मिले हैं मेडिकल, एक तो मेडिकल फिटनेस एप्लीकेशन, ये देखें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये है, तो एक कॉपी तो ये है, ठीक है जी, ये मेडिकल फिटनेस की है, और ये जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म है एप्लीकेशन नंबर, ये देखा, ये एक पेपर ये होता है, ये दो पेपर होते हैं, ठीक है जी। तो ये दो पेपर, एक जो होता है आपका जिस पे आईडी बनता है, ये जो मैंने बाद में दिखाया आपको ये आईडी के लिए एप्लीकेशन है मेरी, तो ये जो होते हैं ना ये दो पेपर होते हैं, इन पेपरों को आपको बताने का मकसद ये है कि जो नए आते हैं उन्हें पता होना चाहिए, क्या पहले से ऑलरेडी उनको पता होना चाहिए कि किस तरह ये वीज़ा जब ले कर जाते हैं यहाँ पे दुबई में। सबसे पहले तो आपके पास जो वीज़े की कापी होती है ना, मैं अभी आपको दिखाना चाह रहा था, वो जब एयरपोर्ट पे आप आते हैं तो आपको जो है ना उस वीज़े की जो प्रिंट होता है ना कॉपी, उसके ऊपर आपको स्टैंप लगा के आपको एंट्रेंस जो दे देते हैं, आप एंटर हो जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद वो क्योंकि वीज़ा होता है, वीज़े की कॉपी होती है, तो वो आपने अपने पास रखनी होती है, पासपोर्ट और वीज़ा कॉपी जो होती है। तो जब आपके पास जो है ना आईडी आ जाता है तो फिर वो आपके पास आईडी होनी चाहिए जेब में, क्योंकि यहाँ पे अगर किसी को कोई बंदा कोई पुलिस वाला को चेक कर ले तो आपको पता होना चाहिए। एक बेसिक मालूमात है थोड़ी सी जो मैं आपको देना चाह रहा था। तो उसके बाद ये जो है ना जब ये दोनों पेपर आपको देंगे तो फिर आपके जाके एक तो हॉस्पिटल में जाके देंगे और दूसरा जो है ना वो जहाँ पर जहाँ से ये आईडी बनता है उस पर जाके जमा कराएँगे वहाँ पर, तो वो आपको फिर जब आईडी आपकी तैयार होगी तो आपको दे देंगे। तो मेडिकल के लिए जब मैं सुबह जाऊंगा आपको इंशाल्लाह कोशिश करूंगा दिखाऊंगा कि किस किस्म का यहाँ पे मेडिकल होता है, मैंने तो पहले यहाँ पे नहीं करवाया, देखते हैं इंशाल्लाह कि कल किस तरह का मेडिकल होगा, कोशिश करूंगा कि आपके लिए कुछ रिकॉर्डिंग कर सकूँ, अगर हो सकी तो इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ जो है ना शेयर करूँगा, ठीक है जी। तो ये थोड़ी सी मालूम थी, और एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, सॉरी, एक चीज़ मैंने आपको दिखानी है और ये आपने मुझे बताना है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है जी। मैंने भी वैसे पहली दफ़ा देखी है ये चीज़, पहले इसके साथ वाली और भी चीज़ें देखी हुई हैं, कल की मैंने ये चीज़ें जो है ना अपनी जेब में रखी हुई हैं आप लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है जी। ये देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये देखें, ये आपने मुझे दिखाना है, ये कल से यकीन जाने मैंने कल से आपके लोगों के लिए आप लोगों को दिखाने के लिए ये जो है ना मैंने चीज़ें ये तीन मैंने उठाए थे वहाँ से। तो मैंने जब ये वहाँ पे देखे तो मैंने समझा कि ये अमरूद है, लेकिन ये अमरूद नहीं है, ये आपने मुझे दिखा बताना है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है जी। तो इसके बारे में आप जो है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये क्या चीज़ है। तो है ये वैसे फल, ठीक है जी, तो आम ये देहातू में जो है ना ये आम होता है, आम जगहों पे जो है ना हमारे देहातों में आम ये दरख्तों के, इतना मैं बता देता हूँ आपको कि ये देहातों में आम दरख्तों के जो आम हमारे ना होता है, ठीक है, लेकिन इस लेवल का इस सूरत का नहीं होता, ये आपने बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में ये क्या है, ठीक है जी। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।